प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं मैम, और उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि चुनाव खत्म हुए और बढ़ गया, ये आरोप भी लग रहा है। तो एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है, और अभिषेक अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। दूसरी बात मैम, आप हाउस के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे? नमस्ते। विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने नोटिस भी किया है इस मुद्दे पे। मैं क्या करूंगी? संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? अरे हम विपक्ष के साथ हैं, अपनी आवाज उनके साथ मिलाएंगे। और ये तो सभी जानते हैं जो समझदार लोग, किस गवर्नमेंट के सारे क्रियाकलाप चुनाव पर ही आधारित होते हैं। कब चुनाव होगा तो रोक दिए जाएं दाम बढ़ने से, चुनाव हो चुके तो बढ़ा दिए जाएं, ये सारे तय ही इसी आधार पर करते हैं। सब जानते थे कि जितने गनीमत ये है कि अगले दिन नहीं बढ़ाए, 10 दिन रोक दिए, और 10 दिन रोक के भी बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप वाले और लोग थे, BPL और ये सब कंपनियां थी, इनको अरबों रुपए का लाभ हो गया। जानते थे बढ़ेगा तो स्टोर कर लिया। तो ये गवर्नमेंट की नीति कोई जनता के लिए नहीं है, जनता सरकार तो ये कहती है कि उनके हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है ये पैसा और बढ़ना और घटना। इंटरनेशनल मार्केट में जब घटता है तब घटाया कभी इन्होंने? इनसे ज्यादा असत्य बोलने वाला कोई है दुनिया में? और चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ा? और अभी देखिए आप, अभी ये बढ़ाएंगे लगातार लगातार बढ़ाएंगे, और 24 के आने से पहले एक साल पहले से कुछ 2-4 रुपया घटा के और स्थिर कर देंगे। सब कुछ होता है, यहाँ तो लोगों की हत्याएं करवाई जाती हैं चुनाव से पहले, दाम रोके जाते हैं, फिर दाम, ये क्या करना है क्या नहीं करना है ये चुनाव पर ही आधारित है। सारी पॉलिसी इस गवर्नमेंट की, सारी नीतियाँ, सारे क्रियाकलाप सब चुनाव आधारित हैं। आपने नीति की कोई जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं।